दोस्तों उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों को लेकर क्या हाल है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से वहां पे आम जनमानस परेशान है, किसान परेशान है, ये किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। लेकिन अब देखिए कि हालात कितने बुरे हो गए हैं कि वहां पर रास्ते में मंत्रियों के आगे जानवरों को छोड़ना पड़ गया है। आपके स्क्रीन पे आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे देखिए। बताइए जा रहा है कि पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और उप मुख्य सचिव राजेश दुबे गुरुवार को पशुओं के पोलियो क्लिनिक का शिलान्यास करने पहुंचे तो रास्ते में किसानों ने वहां पर छुट्टा जानवरों को रास्ते में खड़ा कर दिया और उनके काफले के खिलाफ जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया, उनके काफले को रोक दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से जो छुट्टा जानवर जो लोगों के खेत में रखे हुए अनाजों को चर जाते हैं, और भी कई परेशानी है। आपने देखा कि छत पे चढ़ जाते हैं, रास्ते में मारपीट होता है, कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है इसी छुट्टा जानवर के कारण से। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से जो के मंत्री है धर्मपाल सिंह और उनके उप मुख्य सचिव राजेश दुबे जबकि गुरुवार को पशु की पॉली क्लिनिक का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे तो उनका काफला ही रोक दिया गया और जिस रास्ते से उनका काफला गुजर रहा था वहां पे छुट्टा जानवरों को लाकर छोड़ दिया किसानों ने। ये तस्वीर ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को जो परेशानियां झेलने पड़ रही है उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों को लेकर, वो परेशानी अब भी स्टिल है वहां पे। और किस तरीके से जब भी कोई मंत्री ऐसे वहां पे पहुंचते हैं तो कई बार आपको देखने को मिला है कि उनके काफले के पास या फिर किसी स्कूल में या फिर किसी ऐसे जगह पे ले जाकर उन छुट्टा जानवरों को छोड़ दिया जाता है, ऐसा मैंने कई बार आपको दिखाया है। लेकिन एक बार आपको फिर से देखने को मिला कि कैसे जो कि पशु मंत्री है वो जब पहुंचे पॉली क्लिनिक का शिलान्यास करने के लिए तो वहां पर छुट्टा जानवरों को उनके रास्ते में ही छोड़ दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समस्या है उत्तर प्रदेश के लिए और ये समस्या अब भी बरकरार है और उसी को लेकर किसानों का गुस्सा और किसानों का आक्रोश जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आप भी उत्तर प्रदेश से और आपको भी यही परेशानी झेलनी पड़ रही है तो इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।